पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। लगता है तुमने उनसे भी वही जादू कर दिया जो मुझसे करा। भयानक सपना था। भैया को ये सब बताऊंगी तो वो विश्वास नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सिद्धि जल्दी घर आ जाओ, बहुत रात हो चुकी है।
विकास के घर आती मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। बता दूंगी लेकिन मेरी बात मानेगा? कहीं मुझे पागल तो नहीं समझेगा? अगर समझता तो समझे। मैं बताऊंगी जरूर। हाँ मैं बताऊंगी जरूर। विकास, विकास आइए ना। विकास आओ ना। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं पिछल परी हूं, मेरा संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा नहीं छोड़ा कि तुम मुझे धोखा दो। मैं तुम्हें मार दूंगी। कोतवाल जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक प्रेमी से शादी कर बैठा हूँ जिसने मेरी बाप और बहन दोनों को मार डाला। शुक्र मना बेटा कि तुम जिंदा बच गए। काका, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है बेटा, विभा का प्यार है जो तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा रखना चाहती है। परफॉर्मेंस गाइस, वेल डन, वेल डन। और इसे कहते हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस। तो आइए इस खूबसूरत जोड़ी सैम और दिव्या की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में जजेस का क्या कहना और क्या स्कोर है। जजेस, ओवर टू यू। ओ आशीष सर ने 9 मार्क्स, टीना मैम 8 एंड अक्षय जी 8, सो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 25 गाइस। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। कांग्रेचुलेशंस सैम एंड दिव्या गाइस। हेलो, क्या हुआ? अरे उस लड़की को कुछ नहीं है। लेट्स वार्म अप, वी आर नेक्स्ट। नेक्स्ट हे अभी, तुम अभी तक यही हो? वैसे अगर तुम हमारा डांस देखती ना तो तुम्हारे होश उड़ जाते। एंड बाय द वे, इस बार का डांस कॉम्पिटिशन ना हम ही जीतेंगे। कम दिव्या की बात पे ध्यान मत दो, हम इसको बातों से नहीं डांस से जवाब देंगे। ओके, रेडी? अगर दिव्या और सैम ने आपको किया हो इम्प्रेस
तो आइए देखते हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर्स क्या करने वाले हैं। पेश है हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर्स एबी और सनम। गाइस गिव देम अ बिग हैंड। लेट्स डू दिस। या कौन है? कौन है? Telling you guys, कोई मेरा पीछा कर रहा है। Someone's following me। अभी तुम इतनी बड़ी एक्टर हो तो कुछ फैन होगा ना, टेंशन नहीं। पर वो फिर मैं हूँ ना। He's got a point। Yeah। चले। Come, come, come। अरे कोई है? इतना टाइम कैसे लग गया दादा? अरे बोलो। क्या बोलूं साहब, यहां जानवर आते जाते रहते हैं और चोर चकारोगा तो पूछो ही मत। ऐसे में इंसान की आवाज सुनो या जानवर की, कुछ समझ नहीं आता। ये आप ये फालतू की बातें करना बंद करो और सबका सामान अंदर रख भैया प्लीज। वाओ, नाइस हाउस ना, ऑसम प्लेस। ओ हेलो लवबर्ड्स, तुम लोगों के पास पूरा दिन एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए, सो प्लीज। अरे बॉस जरा बता रूम्स किधर है? तो सामने वाला रूम लड़कों का है और लड़कियों के लिए ऊपर वाला। ऊपर क्यों? वहां भी तो रह सकते हैं। मैम वो स्टोर रूम है, वहां पे टूटा फूटा धूल मिट्टी ये सब पड़ा हुआ है, आप ऊपर ही जाइए। ओके। अगर सनम कह रहा है कि सनिता से उसका कोई वास्ता नहीं है तो कौन है ये भूत? ये भूत है भी या कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो दिव्या की चीखने की आवाज आई थी और वो जब से वो कमरे में गई है ना तब से वो बाहर ही नहीं आ रही, और मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। उस रूम में दिव्या
दिव्या यहाँ तो कोई नहीं। दिव्या कौन है? टीना दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो टीना, दरवाजा खोलो खोलो। खोलो प्लीज, कोई है दरवाजा खोलो टीना खोलो। क्या शोर मचा रखा है तुमने अभी? How dare you? मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मुझे यहाँ बंद किया। मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। Just wait and see. चुप, एकदम चुप। अगर किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी बोला ना तो कंप्लेंट करने के लायक नहीं बचोगी। समझ आया? अपनी हद में रहो समझी। सच कह रही थी, दिव्या वाकई स्टोर रूम जाती रहती। ये तो ब्लैक मैजिक का सामान है। मुझे सनम को बताना होगा। सनम, चलो मेरे साथ। प्लीज इट्स अर्जेंट। क्या हुआ? सब ठीक है? याद है मैंने तुमसे कहा था कि कोई मुझ पे कुछ कर रहा है। अब मुझे सब पता चल गया। कौन है? दिव्या मुझ पे काला जादू करिए ताकि हम हार जाए कॉम्पिटिशन। प्लीज दिव्या, क्या बोल रही हो सब? मेरे पास सबूत है, ट्रस्ट मी, जस्ट कम विद मी प्लीज। यहाँ पे आओ, देखो। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अभी। सनम ट्रस्ट मी, मैंने अभी देखा है यहाँ पे, पता नहीं उससे कुछ चल रही है। देखो ट्रस्ट मी, ये सब दिव्या ही करी है सनम। यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, चलो। सनम खून अभी
आओ आओ। अब कैसा फील कर रही हो तुम? ठीक। एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। माफी किस बात के लिए? क्योंकि सब कुछ ना मेरी गलती थी। शो के प्रेशर की वजह से पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। आई एम रियली सॉरी। अब ना मैं ठीक हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से हम सिर्फ कॉम्पिटिशन पे फोकस करेंगे। तुम देखना, अब हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। हम हमेशा साथ रहेंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। सिर्फ सनम और उसकी सनिका। सनिका? हाँ सनम, तुम्हारी सनिका। इसका मतलब आप ही सही कह रही थी। आओ, आओ मेरे पास। नहीं, अभी को छोड़ दो प्लीज। आओ सनम। मैं अभी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज अभी को छोड़ दो। प्लीज उसको छोड़ दो। इससे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। अभी मैं यहाँ कैसे आई? मैं सो रही थी। ऑल ओके। सर पर मैं यहाँ कैसे आई? कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, तुम यहीं सो जाओ प्लीज। हम सुबह बात करेंगे। ओके पर विश्वास करना चाहिए था, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ सनम? मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे तुम पे विश्वास करना चाहिए था। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि सनिका की आत्मा ये क्यों कर रही है। It's okay, सनम, I understand. मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करती। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सनम। हम शनिका की आत्मा से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। हमें किसी की मदद लेनी होगी। कौन करेगा हमारी मदद? रितु मैम, मेरी टैरो कार्ड रीडर। उन्होंने मुझे पहले ही वार्न किया था कि मुझ पे कोई खतरा है। एंड वैसे भी उनकी नॉलेज इस सब में हमसे कहीं ज्यादा है। मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। पहले फ्रेश हो जाओ, फिर कॉल कर लेना। अच्छे दोस्त थे। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ और कुछ नहीं। तुम ये सब कैसे कर सकते हो प्रतीक? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आदि? जब तुम स्ट्रगल कर रही थी तुम्हारे साथ कौन था? मैं तुम्हारे सुख दुख में कौन था? मैं अभी और जीवन साथी चुनने की बारी आई तो तुमने उस तालम को चूज किया। मुझे ये सब पता ही नहीं था। तुमने ये कब से? ये सब की शुरुआत मैंने पहली बार इस जगह से की। सनम को प्रपोज कर दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं एक तांत्रिक के पास गया जिसने मुझे बताया कि सनिका की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तो मैंने सनिका की आत्मा को बुला के उसके साथ एक डील की कि वो सनम को अपने साथ ले जाएगी और तुम मेरी हो जाओगी। उसके बाद मुझे सिर्फ तुम्हें उस कमरे में लेकर जाना था
ताकि काले जादू का असर तुम पर शुरू हो सके। देखो, हमें एबी को सिर्फ कमरे में पान करना है, उसे थोड़ा डराएंगे, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए बिल्कुल। ऋतु के टाइम पर मुझे लगा कि मेरा भांडा ना फूट जाए। तुम ना खुदाई हो या तुम्हें किसी ने बुलाया है? मैं खुद नहीं आई, मुझे किसी ने बुलाया है। किसने बुलाया तुम्हें? जवाब दो। Guys, I can't do this, guys. Sorry. अब सब कुछ ठीक चल रहा था, बस तुम्हें विश्वास दिलाना था कि सनिका किसी को भी मार सकती है, इसलिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी। ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी मदद करूंगा। चली जाओ यहां से। प्रतीक, नो नो नो। प्रतीक, आई ओके? प्रतीक, दिव्या को मेरे बारे में पता चल चुका, इसलिए सबने रास्ते से हटाना जरूरी था। सर, मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है अभी। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी कर लो या सनम की मौत का नजारा देखो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी और ना ही सनम को कुछ होने दूंगी। कहां जा रही हो तुम? शादी कर लो वरना सनम मारा जाएगा। तुम ठीक हो? क्या सब ठीक? सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे यकीन करो, हमारे पास वक्त नहीं है। प्लीज जस्ट डू दिस, ट्रस्ट मी। बट प्लीज सनम। मुझे बताओ, आर यू ओके? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।